हे गाइस, मैं गैना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गैना शो में। आज की हमारी गेस्ट हैं प्रीति धवन। प्रीति जी, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो प्रीति जी, हमारे शो का ये रूल है दैट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, रॉ, अनफिल्टर। आप किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोल सकती। आप रेडी हैं? आई प्रॉमिस। लवली। सो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रीति धवन के बारे में, उनकी आप बीती और उनकी जर्नी। सो प्रीति जी, ये बताइए, आप एक आउटसाइडर हैं? यस। मतलब आपका बॉम्बे में फिलहाल हो सकता आप कोई हो, बट जब आप आई थी तब कोई नहीं था? नहीं, जब कोई नहीं था। सो जब पहली बार आपने डिसाइड किया कि आपको बॉम्बे आना है, आपको एक्टिंग करनी है, तब से अब तक का सफर कैसा रहा? आपने अगर किसी को बताया तो कैसे बताया, और वो जर्नी उस समय कैसी थी और आज कैसी है, ये हमारी पब्लिक के साथ शेयर करिए। हाई फ्रेंड्स, मैं प्रीति धवन। मैं आप आज गहना मैम के जरिए अपनी कहानी बताऊंगी। एक्चुअली जब मैं बॉम्बे आई थी 17 अप्रैल 2017 में आई थी, तो बेसिकली मैं आई थी अपने बेटे के लिए। मेरा बचपन से शौक था कि एक्टिंग लाइन करना सब चीज़ें, बट पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया। तो मैंने उस दिन सोच लिया था कि जब भी मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको इस लाइन में डालूंगी। तो मतलब पेरेंट्स को बच्चे होने के बाद ही मैंने बोला कि मेरे को इस लाइन में जाना है, बट पेरेंट्स फैमिली थोड़ा सा अलाउड नहीं कर रहे थे। मैं बिना बताए किसी को अपने बच्चे को लेके, मेरा बच्चा उस टाइम 3 साल का था, मैं अपने बच्चों को लेकर बिना बताए यहाँ पर आ गई थी। और उसके बाद मुझे 2-3 धोखे मिले। पीजी में रही मैं, 15-20 दिन रही। उस टाइम मुझे बहुत लोग ऐसे मिले, एक पूजा का कोऑर्डिनेटर थी, उसने मुझे रखा। फिर उसने मुझे, सॉरी मैं तो नाम डिस्क्लोज नहीं करना था, बट कर दिया मैंने उनका। और उन्होंने मुझे रखा, उन्होंने मुझे पैसे वैसे रखे, गोल्ड भी रख दिया मेरा। बट वहाँ से मैंने जर्नी देखा कि बॉम्बे बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, कि यहाँ पर मैं सर्वाइव कैसे करूँगी। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उस टाइम मैं बिना बताए आई थी, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज को, किसी को बताया नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अब करूंगी। भगवान के आशीर्वाद से, साईं बाबा की कृपा से मेरे बेटे को काम मिला। और पूरे में 1 साल बाद अपने पेरेंट्स से मिलने गई। जब पेरेंट्स ने हमें टीवी पे देखा, बहुत खुश हुए, और बच्चे के साथ साथ मुझे भी चांस मिलने लग गया। तो आज मुझे चांस, मतलब एक्टिंग लाइन में मुझे 4 ईयर्स हो चुका है। मैंने बहुत से शोज करे हैं, शॉर्ट मूवी करी है, मूवी करी है जो सितंबर रिलीज होने वाली है मेरी, और मैंने वेब सीरीज भी किया है। और अब आज मेरे पेरेंट्स मुझे देखते हैं, मुझे कहते हैं कि हिम्मत वाली ब्रेव गर्ल है हमारी, कि जो इतना सब कुछ करके आगे बढ़ रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हर किसी लड़की को मेरी तरह ब्रेव होना चाहिए, और माँ का नाम रोशन करना चाहिए, और अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए, ताकि कोई भी मर्द आके उसकी लाइफ को स्पॉइल ना कर सके। एग्जैक्टली, कहते हैं ना, यही तो नारी का सशक्तिकरण। जी मैम। अगर वो अपने लिए कदम नहीं उठा सकती तो फिर किसके लिए उठाएगी? जी मैम। तो प्रीति, मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने कई सारे शोज किए, तो हमारी जो पब्लिक है उन्हें कुछ आप अपने शोज, टीवी शोज या वेब सीरीज का नाम बताएं, ताकि वो आपको देख सके। श्योर। अभी मैंने रिसेंटली मैंने पूर्णिमा शो किया था, उसका पहला, दूसरा, थर्ड एपिसोड, 3 एपिसोड में मैं थी एज ए नेबर कैरेक्टर में। और उससे पहले मैंने मूवी किया था जो घुड़चड़ी मूवी है, उसमें मैं ऑफिस की कोलीग बनी थी। और उससे मैंने पहले बहुत से क्राइम पेट्रोल भी किया है, और जाना दिल से दूर भी किया है, और शक्ति भी किया है। मैंने बहुत से शोज किए हैं, तो मैं सब में उसमें हूँ। अच्छा, तो हमारी पब्लिक का जो मेन इंटरेस्ट होता है ना, वो जानने में होता है कि हमारे हीरोइन ने कौन सी बोल्ड सीरीज की है। तो आपने क्या कभी कोई बोल्ड सीरीज की है? हाँ, मैंने किया बोल्ड वेब सीरीज। नाम बताएं। मैंने वाउ इंटरटेनमेंट के साथ किया था, मैंने बोल्ड वेब सीरीज किया था, मेरा वो फर्स्ट वेब सीरीज था। और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बोल्ड वेब सीरीज कर रही हूँ, मैंने ये सोचा कि मैं एक्टर हूँ, तो मैं एक्टिंग लाइन में कर रही हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे फैमिलीज क्या बोलेगी, पड़ोसी क्या बोलेंगे, आई डोंट केयर। बट मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मैं एक्टर हूँ, तो मैं एक्टर लाइन में कर रही हूँ, और मुझे कोई नुकसान नहीं है इस चीज में। तो मैंने बोल्ड एक्ट्रेस किया। तो मुझे एक बात बताएं, क्योंकि अब 2017 में आ चुकी थी, उसके बाद लॉकडाउन भी पड़ा और बहुत सारी सिचुएशन बदलती गई। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो गया, फिर उसके बाद GST आ गया, फिर उसके बाद ये सारी चीजें। तो ये जो चीजें ग्रेजुअली होती गई, इससे इंडस्ट्री बहुत हैम्पर हुई है। ये चीजों ने आपकी लाइफ में क्या बदलाव किया? मेरी लाइफ में जब पहला लॉकडाउन लगा था, उस टाइम मैं 2-3 महीने पेरेंट्स के पास रही थी। तो उसके बाद थोड़ा सा कह रहे थे कि ट्रैवल कर सकते हैं, तो मैं पेरेंट्स को बोला कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अपनी इंडस्ट्री में वापस जाना है बॉम्बे। पेरेंट्स ने मुझे मना किया कि नहीं जाना तुम्हें, अभी लॉकडाउन लगा पड़ा। लेकिन मैं फिर भी जिद्दी हूँ, घर की लाडली हूँ, तो मैं जिद में आ गई घर वापस। तो मैं लॉकडाउन में भी, पूरे लॉकडाउन के अंदर मैं बॉम्बे ही रही थी, और मैंने सर्वाइव किया था। So, उन दिनों आपने कुछ काम किया लॉकडाउन के टाइम? किया था, मेरे बेटे ने किया था, क्राइम पेट्रोल वगैरह किया था मेरे बेटे ने। बट मैंने तो अभी 4 साल से रिसेंटली शुरू किया है।
आप किस्मत वाली हैं कि आपको इतना अच्छा बेटा मिला है। वो मेरे साई बाबा हैं जिन्होंने मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया। मैं कहती हूँ हर एक किस घर में मेरे जैसे मेरे बेटे जैसा बच्चा हो जो सबका नाम रोशन करे। आज मैं बॉम्बे हूँ तो बस अपने बेटे की बदौलत रहूँ, और मैं कहती हूँ साई बाबा हर जन्म मुझे मेरा चिराग जैसा बेटा मिले। लवली लवली। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आप इंडस्ट्री जब आई होंगी नई नई थी, आपका एक छोटा बच्चा भी था, और चूंकि आप देखेंगे यहाँ पे ना आदमखोर बैठे हुए हैं, उन्हें अकेली लड़की दिखे तो उसे नोचने बैठ जाते हैं। एक बात कही है, मर्द मोहब्बत का नाम लेकर जिस्म पाना चाहता है, औरत जिस्म देकर मोहब्बत पाना चाहती है, है ना। सो मुझे एक बात बताएं कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको मोहब्बत के नाम पे बेवकूफ बनाया, काम के नाम पे बेवकूफ नहीं, बनाया। मोहब्बत के नाम पे तो एक नहीं बेवकूफ बनाया था जिसको मैंने लाइफ पार्टनर बनाया था। आज तक ये सच मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं सिंगल मदर हूँ, और मुझे 9 साल हो चुके सिंगल मदर से, और मुझे गर्व है कि मैं एक सिंगल मदर होने के बाद भी मैं बॉम्बे जैसे शहर में अपना शहर छोड़ के बॉम्बे जैसे शहर में रह रही हूँ, अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ और सिंगल ही रह रही हूँ। और मुझे फक्र है कि मेरे बेटे जैसी औलाद सबको मिले और उसकी बदौलत सब कुछ हो रहा है। और इंडस्ट्री में बहुत लोग मिले कि आओ पार्टी करते हैं, आओ यहाँ पे घर पे मिलने आओ, बट ये सब काम मेरे से नहीं होते हैं। मैंने कहा मैं भूखा रहना पसंद करूंगी बट किसी के नीचे लेटना पसंद नहीं करूंगी। वेरी वेल सेड। सो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आज की डेट में काम मिलना पहले की तुलना में थोड़ा आसान हो चुका है जी, क्योंकि आज की डेट में काम बहुत है इंडस्ट्री में, चाहे वेब सीरीज हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो, क्राइम शोज हो, कुछ भी हो। तो जब आप नई आई थी उस समय वेब का स्कोप इतना ज्यादा नहीं था जी। वेब का ग्रो हुआ 2019 से, तो आपको पहले काम आसानी से मिल जाता था या अब मिल जाता है? मुझे तो लिटरली सबने ये बोला था कि तुम अभी डेली सॉप करती हो, एपिसोडिंग करती हो क्राइम। मुझे पहला एपिसोड मुझे मिला था उड़ान, उड़ान मुझे प्रिंस मोदी जी ने दिया था जो मेरा पहला शो था, तो जब मैं आई थी यहाँ पर। और उसके बाद फिर मुझे एपिसोडिंग डेली सॉप मुझे मिलते रहे, मैं जो मुझे काम मिला मैंने किया, ऑनेस्टली किया। और सेकेंडली मुझे वेब के बाद मुझे लोगों ने बोला कि तुम बोल्ड वेब करोगे तो मैं और कॉन्टेक्ट मिलेंगे, बट मेरे को लग रहा है मैंने बोल्ड करके मैंने गलती कर दी, मुझे तो कॉन्टेक्ट मिला ही नहीं था। अरे मुझे मैम आप मानेंगे नहीं कि मुझे कहा गया था कि तुम बोर्ड में थोड़ा घुस जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडस्ट्री में काम अच्छे से मिलेगा। बट शायद मैं उसकी लाइक बनी नहीं हूँ, मैं हूँ नहीं अब, ये तो रब जाने। बट मुझे बोर्ड के बाद एक वेब सीरीज किया, उसके बाद मुझे बोर्ड काम नहीं मिला। अच्छा मैं बताऊँ, उड़ान मैंने भी प्रिंस के थ्रू ही किया था। ओके ओके। और आज मुझे जवान देखने जानी थी प्रिंस के साथ, प्रिंस ने पूछा था यह हैबिट ऑफ शोइंग फिल्म्स नो, सो मेरे घर में एक मेरा दोस्त आया हुआ है तो मैं नहीं गई उसकी वजह से, मैंने कहा डजंट लुक गुड इफ आई लीव एट माय प्लेस। तो उड़ान मैंने भी प्रिंस के थ्रू किया था, उसमें मैं कीथ स्क्वायरा की वाइफ बनी थी, तो ये तो अपनी जगह है। और कॉन्टेक्ट की अगर मैं बात करूँ, बिलीव मी आपको कॉन्टेक्ट काम करने से ही मिलते हैं, बट यू हैव टू बी एक्टिव। अभी मैं आपको 5-6 कॉन्टेक्ट देने वाली हूँ आफ्टर दिस इंटरव्यू, एंड सबसे अगर मिलो कॉन्टेक्ट करो, बातें करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी आप बहुत है, है ना, आपसे तो कम है। अरे तो मुझे एक बात बताएं, जैसे आपको कहीं काम चाहिए होता है तो आपकी अप्रोच क्या होती है, आप कैसे काम पाती है? जैसे एक आउटसाइडर अगर उसे काम चाहिए तो वो उसे क्या करना चाहिए? बेसिकली मैं बताऊं मैम कि मैं अगर कहीं ऑडिशन देने भी जाती हूँ तो मैं किसी रेफरेंस से नहीं जाती, क्योंकि आज के टाइम पे, अभी तो मैंने आज अपनी मैम के शो में आके लाइव आके मैंने अपना लाइफ के बारे में बताया कि मैं सिंगल मदर हूँ, बट आज तक इंडस्ट्री में 8-9 सालों से किसी को नहीं पता था कि मैं सिंगल हूँ। और मैं खुद कहती थी कि मैं अपने पैर पर खुद खड़ी हूँ, मैं खुद जाऊँ सामने से ऑडिशन देके आऊँ, अपने बिहाफ पे खड़ी हो जाऊँ, बट मैंने कभी भी किसी को ऑडिशन देके किसी रेफरेंस से नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों ने स्टार्टिंग में बोला कि तुम्हारे बेटे को हम काम देंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगी उन लोगों का, बट मैंने उनको आज भी उनको ब्लॉक लिस्ट में रखा है। अगर वो मुझे लीड काम भी देंगे ना बेटे का तो मैं कभी जिंदगी में नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे वैसा काम नहीं करना है, मुझे ऑनेस्टी रास्ता चलना है, ऑनेस्टी में आगे बढ़ूंगी और आगे बढ़ के दिखाऊंगी। जिन्होंने मेरे लिए बातें बनाई है कि औरत कुछ कर नहीं सकती, मैं उनको दिखाऊंगी औरत बहुत कुछ कर सकती है। अरे औरत इन मर्दों को पैदा कर सकती तो औरत वो ये लोग नहीं जानते ना मैम, ये लोग नहीं जानते कि औरत कितनी है, क्या हो सकती है, क्या कर सकती है। अरे एक दुर्गा काली सब कुछ बन सकती है, वो जननी जन्मभूमि गरिमा औरत है तो ये धरती, औरत है तो सब कुछ है। जी दोस्तों, इसके आगे के एपिसोड हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। बाय।